आचार्यों ने पवित्र गुफा में पूजा अर्चना की। ये पिछले 3 वर्षों की तुलना में स्थानीय वृद्धि। मैं इस यात्रा को सफल बनाने के लिए कश्मीर के स्थानीय लोगों का दोबारा अपने दिल से धन्यवाद करता हूँ। अमरनाथ यात्रा और हज को ऐसे तरीके से आयोजित किया गया जो कश्मीरिया टूरिस्ट के सांप्रदायिक सद्भाव के सच्चे सार का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। श्रीनगर और जम्मू शहरों के एकीकृत विकास के लिए मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी स्थापित की गई है। श्रीनगर और जम्मू शहर के लिए लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर को अंतिम रूप दिया गया है और इनके शुरू होने के बाद यात्राएं काफी हद तक दूर हो जाएंगी। मेरे प्रशासन स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक विस्तार के लिए कदम उठाए हैं। अवंतीपुरा और विजयपुर में एम्स की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा रखी गई थी। 5 नए मेडिकल कॉलेजों को कार्यशील किया गया है और राज्य को 400 अतिरिक्त MBBS सीटें आवंटित हुई हैं, जिससे कुल सीटों की संख्या 500 से बढ़कर 900 हो गई है, जो कि किसी भी राज्य में MBBS सीटों में एक वर्ष में सबसे बड़ी छलांग है। उधमपुर और हंडवाड़ा में 2 और मेडिकल कॉलेज शुरू होने जा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के सभी राज्यों में जम्मू और कश्मीर को 6 महीने से कम समय में 57% परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी करने में पहले मेरी सरकार केंद्र सरकार की सहायता के अलावा अपने स्तर पर भी पहल कर रही। हमने कॉलेजों की संख्या 98 से बढ़ाकर 200 करके दुगना कर इस विस्तार का एक दीर्घकालिक प्रभाव होगा। हमने 240 से ज्यादा हाई तथा हायर सेकेंडरी स्कूलों को जोड़ा है। ये निश्चित रूप से शिक्षा क्षेत्र में कमियों को पूरा करने में मददगार होगा। हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार रही है, जिसमें बागवानी का प्रमुख योगदान है। कश्मीरी सेब और अन्य फलों ने पहले ही राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों में अपने लिए जगह बना रखी है। सरकार फसल पकने के बाद के बुनियादी ढांचे की स्थापना, प्रसंस्करण की क्षमता और नए मार्केटिंग उपायों को अपनाने के माध्यम से इस क्षेत्र में वैल्यू एडिशन को प्रस्तावित करने और सुविधाजनक बनाने के लिए इस वर्ष के अंत में ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस वर्ष के अंत में होने वाले इन्वेस्टमेंट समिट में हम इन क्षेत्रों में निवेश और विशेष करने पर विशेष रूप से ध्यान देंगे और इस क्षेत्र को मजबूत करने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में मदद करेंगे। मेरी सरकार को सुरक्षा कर्मियों विशेष रूप से जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा सामना की जा रही तमाम कठिनाइयों की जानकारी है। इस दिशा में उनके योगदान को देखते हुए हमने जेके पुलिस कर्मियों के कई रैंकों के संबंध में हार्डशिप अलाउंस को बढ़ाया। नॉन गजेटेड पुलिस कर्मियों का राशन मनी अलाउंस 2000 से 2500 किया गया है। इसी तरह एसपीओ का मासिक पारिश्रमिक भी बढ़ाया गया है। इसके अलावा सभी पुलिस कर्मियों को ड्रेस और किट मेंटेनेंस अलाउंस सीधे दिया जाएगा। मेरा प्रशासन अपने कर्मचारियों के कल्याण और उनके वास्तविक मुद्दों के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में खाली पदों को भरने के लिए पहले ही कदम उठाए हैं और शीघ्र ही विभिन्न केंद्रीय सरकार के संगठनों द्वारा भर्ती अभियान शुरू किया जाएगा। निष्कर्ष में प्रिय भाइयों बहनों, मैं जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए एक उज्ज्वल भविष्य देखता हूं। मैं देख रहा हूं कि श्रीनगर और जम्मू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के साथ ग्लोबल मेट्रोपोलिस बन रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि भविष्य में बेहतर बुनियादी ढांचे के साथ पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार पैदा हो रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास, रोजगार और प्रगति हो रही है। मैं देख रहा हूं कि जम्मू कश्मीर मेडिकल टूरिज्म का केंद्र बन रहा है। मैं ऐसे देख रहा हूं जहां महिलाओं के साथ नहीं होगा और उन्हें पूरे अधिकार मिलेंगे। मैं ऐसे जम्मू और कश्मीर को देख रहा हूं जहां शरणार्थियों और सफाई कर्मचारियों को पूर्ण लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व मिलेगा।
मैं ऐसे जम्मू और कश्मीर को देख रहा हूं जहां केंद्रीय कानून और योजनाओं का लाभ सबको मिल सकेगा। मैं ऐसे जम्मू और कश्मीर को देख रहा हूं जहां पंचायती राज संस्थान और अर्बन लोकल बॉडीज लोकल सेल्फ गवर्नेंस के साधन बनेंगे। मैं एक बार फिर राज्य के युवाओं से खास अपील करना चाहता हूं कि वो आगे बढ़ें, हर क्षेत्र में आगे बढ़ें, शिक्षा, खेलकूद और सारी चीजों के साथ साथ वो प्रदेश की राजनीति भी संभालें और अपने प्रदेश को आगे ले जाएं और देश के श्रेष्ठ राज्यों में से एक बना दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। مہمان خصوصی ریاستی گورنر ستیہ پال ملک نے تقریر فرمائی۔ कमांडर एसएसपी मंगोरे में जनरल की जहार के साथ ही मार्च पास का आगाज हो चुका है और मार्च पास में सबसे आगे है पूरी सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल का दस्ता। एसएसपी कमांडर तनुश्री तारिक की क्यादत में पूरी सिक्योरिटी फोर्स के जवान और अफसरान भारत जैसे वसीम अरीज मुल्क की वसीम अरीज तनजम की मुनाफिक फोर्स जो कि हर पल हर घड़ी तनदही से अपनी बड़ाई अंजाम देती है فقط اس لیے کہ اس ملک کی اس وشال ملک کے وشال سرحدوں کے اندر رہنے والے 1,25,00,000,000 سے زیادہ عوام کو قید کی زندگی نصیب ہو، امن کی زندگی نصیب ہو۔ پریڈ کمانڈر منگورے میں زندان سابق قدمی کے سلام بند کی طرف لوٹتے ہوئے ان کے پر روب چہرے پر جلال کے تاثرات اور اب وہ سلام بند کے قریب آ رہے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں جلال کی علامت کم جماتی ہوئی تلوار نہایت ہی خوبصورت ڈھنگ سے سلامی پیش کرنے کے بعد اپن آگے بڑھتے ہوئے اور ان کے ٹیم پیچھے ہیں آج کے پریڈ کے سیکنڈ انتظام ڈی وائی ایس پی عابد رشید میر جن کا تعلق جموں کشمیر آرمی پولیس کی 14 بٹالین سے ہے۔ تھوڑے پرتپاک انداز سے سلامی پیش کرنے کے بعد اپن آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ ہے بورڈر سیکورٹی فورس کا کنٹنجنٹ، بی ایس ایف کا کنٹنجنٹ۔ اسن کمانڈر تعلق کی تاریخ کی قیادت میں غالباً یہ پہلا موقع ہے جموں کشمیر میں کہ جب بی ایس ایف کے کنٹنجنٹ کی قیادت ایک خاتون کر رہی ہے اور بی ایس ایف کنٹنجنٹ سے سلامی پیش کرنے کے بعد اب منچ سے آگے بڑھنا شروع کیا ہے۔ بی ایس ایف کے بعد جو کنٹنجنٹ آ رہا ہے یہ ہے سی آر پی ایف کا دستہ، سی آر پی ایف کا کنٹنجنٹ ایس این کمانڈر مہیش چوکی کی قیادت میں۔ سی آر پی ایف جو کہ ملک کی عمومی سلامتی کی فورس ہے اور نہایت گندگی سے اپنی فرائض انجام دیتی رہی ہے تاکہ لوگوں کو امن سکون نصیب ہو۔ اور سی آر پی ایف کے بعد یہ ہے آئی ٹی بی پی کا دستہ ایس این کمانڈر انکش کمار کی قیادت میں ہمارے ملک کی سرحدوں کی ایک اور محافظ فورس جو کہ اپنے فرائض ہر وقت گھڑی جہاں پہچانی سے انجام دیتی رہی ہے۔ اور اگلی آواز میکروفون کے میرے ساتھی محمد اسماعیل کی جو کہ مارچ پاسٹ کا بھاگے کا میدان سنائیں گے۔ جینا سرحدوں کے محافظ، ان کے بعد ایس ایس بی سشاستر سیما بل اور اس کی قیادت کر رہے ہیں منیش کمار۔ منی پور، راجستھان، آسام، بنگال جیسے شمال مشرقی کی کرتے ہیں سشاستر سیما بل اور اس کے بعد جموں کشمیر آرمڈ پولیس، جموں کشمیر محکمہ میں پولیس کے مختلف کنٹنجنٹس میں سب سے پہلے پولیس جموں کشمیر آرمڈ پولیس کا یہ کنٹنجنٹ ہے۔ شکیل الرحمان ڈی وائی ایس پی کی قیادت کر رہے ہیں۔ اہم تنصیبات کا معمول ہوتے ہیں
اسکارڈن کیا رہتے ہیں اور انہیں سلامتی پر معلوم ہوتے ہیں. اس کے لیے بہترین خدمات پیش کرتے ہیں. 11 پولیس سینٹرل سیکورٹی فورس کی طرف پر قائم کی گئی یہ فورس ہے. بردار رشید دیوئی اس کی قیادت کر رہے ہیں. میں نے ریکھا وغیرہ کرتا ہوا یہ کنفیوژن.